के तरफ से आपका जीके जीएस क्लास में स्वागत करती हूँ। आज फिर मैं आप लोगों के लिए जीके जीएस से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना जीके जीएस क्लास से संबंधित क्वेश्चंस को पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, तो जल्दी से जुड़ते जाएंगे मेरे साथ और सभी लोग आंसर देने के लिए तैयार रहेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है अभी के समय में जीके जीएस का क्या इम्पोर्टेंस है, ये आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। तो आते जाइए, जुड़ते जाइए एंड जो जो बच्चे जुड़ चुके हैं वो जल्दी से हाय बोलते जाएंगे। हम लोग अपना क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ऐसे तो आपको दिख ही रहा होगा, फिर भी चलिए मैं आप लोगों के लिए पढ़ रही हूँ आज का क्वेश्चन। चलिए तो देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। आई होप जिनको जिनको आना है वो आ रहे हैं, जल्दी जल्दी आते जाइए। वेलकम ऑल ऑफ यू, स्वागत है आप सबों का। तो आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स जिसको कहा जाता है, उसके बारे में नॉलेज रखते हैं तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है ये आपका कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं। मौलिक अधिकार का अर्थ क्या होता है? तो मौलिक अधिकार का अर्थ होता है कि वो अधिकार जो प्रत्येक नागरिक को दिया गया है, वो अधिकार जो प्रत्येक नागरिक को दिया गया है, जिसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। आपको बताना है कि हमारे संविधान में कितने मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। ए कहता है कि 5, बी कहता है 6, सी कहता है 7 और डी कहता है 8। मौलिक अधिकार के बारे में आप 5वां या 6ठे क्लास से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ ज़्यादा टफ नहीं होना चाहिए। तो जल्दी से बताएंगे कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं। 5, 6, 7, 8, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन जो बच्चे लगातार तैयारी करते जा रहे हैं उनके लिए कोई भी कन्फ्यूज़न की बात नहीं है। तो चलिए बताइएगा, और जो बच्चे बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं वो ऑलरेडी अपने मन में आंसर को सोच लेंगे कि क्या आंसर होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 6। पहले 7 थे, लेकिन एक संशोधन के तहत इसको हटा करके 6 कर दिया गया। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं? तो 6। 6 वो मौलिक अधिकार हैं जो कि प्रत्येक भारतीयों को उपलब्ध करवाया गया है ना। ये 6 वो मौलिक अधिकार हैं जो कि प्रत्येक भारतीयों को उपलब्ध करवाया गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो संविधान है वो बहुत सारे देशों के संविधान से कुछ कुछ उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लेकर के बनाया गया है। तो ये मौलिक अधिकार वाला जो पार्ट है वो कहाँ से लिया गया है? ये मौलिक अधिकार का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, ये मौलिक अधिकार का जो पार्ट है वो कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और इसमें आपके जो 6 मौलिक अधिकार हैं वो आपके कौन कौन हैं, आप जो बच्चे जान रहे हैं वो अपने माइंड में सोच लीजिए कि 6 मौलिक अधिकार जो है वो कौन कौन से हैं। और क्योंकि आपको इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी तो होना ही चाहिए कि आपके जो 6 मौलिक अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, प्रत्येक भारतीयों को ये समझ में आना ही चाहिए। आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा। और जो अभी सामने हैं वो जल्दी से बताएंगे। कोई लिख के बता सकते हैं कि कितने मौलिक अधिकार हैं हम लोगों के? चलिए बिल्कुल सही, जो भी बच्चे आंसर दे रहे हैं उन सबों का आंसर करेक्ट आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन फिर से आपके स्क्रीन के ऊपर है। जो बच्चे बाद में देख रहे हैं वो भी बता सकते हैं।
निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किस या किन अनुच्छेद या अनुच्छेदों को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता है? क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए, तीन ऑप्शन तो खैर आपको दिख रहे हैं लेकिन चौथा ऑप्शन मुझे देखना होगा क्योंकि आगे आपका कट गया है तो आपको बढ़ा के दिखाएंगे। पहला कहता है अनुच्छेद 19, दूसरा कहता है अनुच्छेद 20 तथा 21 और तीसरा कहता है अनुच्छेद 22 और 23। ये तीन को देख लेंगे, चौथा मैं आपके लिए ला रही हूँ। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20 तथा 21, अनुच्छेद 22 और 23। आइए देखते हैं कि अनुच्छेद 24 जो है वो आपका क्या कह रहा है, सॉरी डी क्या कह रहा है। तो अनुच्छेद 24 और 21 किस में? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फिर से क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस या किन अनुच्छेद या अनुच्छेदों को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20 और 21, अनुच्छेद 22 और 23, अनुच्छेद 24 और 25। जल्दी से बताइएगा क्या होगा आपका आंसर। और इसका आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? जल्दी से बताएंगे, इसका आंसर जो है वो आपका हो जाएगा बी नंबर। क्या होगा इसका आंसर? आपका होगा 20, अनुच्छेद 20 और 21। होपफुली समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? देखिए एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेबल, लॉर्ड माउंटबेटन। चार ऑप्शन फिर से आपके सामने हैं, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? जल्दी से बताइएगा, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, गवर्नर जनरल का जब पद खत्म कर दिया गया था तब उसके बाद वायसराय का पद लाया गया था। गवर्नर जनरल का पद जब खत्म हुआ था तब उसके बाद कौन लाया गया था? वायसराय का पद लाया गया था। तो अगर आपको ये पता होगा कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे तो आपको पता चल जाना चाहिए कि वायसराय कौन थे। तो 30 का आंसर आप सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या, इसका आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ए नंबर, लॉर्ड कैनिंग जो थे वो प्रथम वायसराय। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल था और उसके बाद जो ब्रिटिश सम्राट के अधीन जो नियुक्त किया गया था वो प्रथम वायसराय था। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए समझ में आ गया होगा, बहुत ही हल्का क्वेश्चन था, इतना तो आप लोग कर ही चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, न्याय सूत्र किसने लिखी? व्यास, गौतम, कपिल, चरक। न्याय सूत्र नामक जो बुक है उसकी रचना किसके द्वारा की गई है? ए कहता है व्यास के द्वारा, बी कहता है गौतम के द्वारा, सी है कपिल के द्वारा और डी है चरक के द्वारा। जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। न्याय सूत्र किसके द्वारा लिखा गया है, व्यास, गौतम, कपिल या चरक? किसके द्वारा लिखा गया है जल्दी से बताइएगा, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये और बहुत ही फेमस नाम सब भी आपके सामने दिया गया है। चार ऑप्शन है आपके सामने, न्याय सूत्र किसने लिखी है, व्यास ने, गौतम ने, कपिल ने या चरक ने? तो इसका आंसर आपका क्या होगा, न्याय सूत्र लिखा गया है गौतम के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है, गौतम के द्वारा, और इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी, न्याय सूत्र के रचयिता कौन है तो गौतम। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है मेरियाना गर्त पृथ्वी के पानी में सर्वाधिक गहरा गर्त है, यह निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे फिर ऑप्शन देखेंगे क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तब तक ऑप्शन पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, मेरियाना गर्त पृथ्वी के पानी में सर्वाधिक गहरा गर्त है, यह निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? ए कहता है अंध महासागर, बी है आर्कटिक महासागर, सी है हिंद महासागर और डी है प्रशांत महासागर। ठीक है, फिर से एक और क्वेश्चन और ऑप्शन देखते हैं।
मेरियाना गर्त को पृथ्वी के पानी में सर्वाधिक गहरा गर्त माना गया है, यानी प्रमाणित है कि सबसे गहरा गर्त जो है वो कौन है, तो मेरियाना गर्त है। लेकिन ये किस महासागर में स्थित है आपको ये बताना है, ये मेरियाना गर्त जो है, जो सबसे गहरा गर्त है पृथ्वी के पानी का, ये किस महासागर में स्थित है? ए है अंध महासागर, बी है आर्कटिक महासागर, सी है हिंद महासागर और डी है प्रशांत महासागर। तो बहुत ही हल्का तो नहीं कहेंगे लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, प्रशांत महासागर। मरियाना गर्त जो है वो कहाँ है आपका, तो प्रशांत महासागर में स्थित है और इसे पृथ्वी के पानी का सबसे गहरा गर्त कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन में आपका देखिए दो क्वेश्चन निकल गया कि पृथ्वी के पानी का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो मरियाना गर्त, और ये किस महासागर में स्थित है, तो ये है आपका प्रशांत महासागर में। होपफुली समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, मसाई निम्न में से किस देश की जनजाति है? मसाई एक जनजाति है, वो किस देश की है? केनिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, भारत। चार ऑप्शन है आपके सामने। मसाई जो है वो निम्न में से किस देश की जनजाति है? केनिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, भारत। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। जाति जनजाति के बारे में अगर आप पढ़े होंगे तो आपको ये अवश्य पता होगा, क्योंकि मसाई जो है वो इन चारों देश में से किसी एक देश का बहुत ही फेमस जनजाति है। तो आपको ये बताना है कि वो किस देश का फेमस जनजाति है। मसाई निम्न में से किस देश का जनजाति है, जल्दी से बताइएगा। और इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा एक, केनिया। मसाई जो है वो दक्षिण केनिया और उसके उत्तरी भाग में जो तंजानिया नामक जगह है वहां पे अर्ध खानाबदोश लोगों को कहा जाता है, ठीक है। और ये निलोटिक जातीय का एक समूह होता है जिसको मसाई जनजाति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये दक्षिण केनिया में है, लेकिन हमारा आंसर सिर्फ केनिया है, तो हम लोग केनिया को ही मारेंगे और हमारा आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, तो ए नंबर। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, निम्नलिखित में से कौन से अंग से पेसमेकर संबंधित है? बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, बहुत ही हल्का। अगर इसका आंसर नहीं आएगा तब तो मुश्किल है आप लोगों के लिए। निम्नलिखित में से कौन से अंग से पेसमेकर संबंधित है? लीवर, मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ए कहता है लीवर, बी कहता है मस्तिष्क, सी कहता है हृदय और डी कहता है फेफड़े। निम्नलिखित में से कौन से अंग से पेसमेकर संबंधित है, अर्थात पेसमेकर का यूज कहाँ किया जाता है, कौन से अंग में? लीवर में, मस्तिष्क में, हृदय में, फेफड़े में। जल्दी से बताएंगे, जैसा कि मैं बता रही हूँ बहुत ही हल्का क्वेश्चन है ये। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, हृदय। पेसमेकर जो है वो दिल की धड़कन को नियंत्रित करने का काम करता है। जिस भी व्यक्ति का दिल का धड़कन प्रॉपरली काम नहीं करता है उसके लिए उनके दिल में पेसमेकर लगाया जाता है। तो पेसमेकर जो है वो हमारा किससे संबंधित है, तो हृदय से अर्थात दिल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी हल्का क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन फिल इन द ब्लैंक्स का मुख्य घटक है? श्वेत रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, प्लाज्मा या सभी विकल्प सही हैं? ए और बी को हम लोग WBC और RBC कहते हैं, ये तो जानते ही होंगे। RBC बी हो गया और WBC क्या हो गया, ए हो गया आपको। तो जल्दी से बताइएगा, हीमोग्लोबिन फिल इन द ब्लैंक्स का मुख्य घटक है किसका? तो श्वेत रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, प्लाज्मा या सभी विकल्प सही हैं? फिर से चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से बताइए। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर आपका डी होगा। हीमोग्लोबिन फिल इन द ब्लैंक्स का मुख्य घटक है श्वेत रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, प्लाज्मा या सभी विकल्प सही हैं? चार ऑप्शन आपके सामने हैं और इन चारों का आंसर आपको पता होना चाहिए, सॉरी इन चारों में से कोई एक आंसर होगा, चारों का अर्थ आपको पता ही होगा। तो जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका अर्थ। अक्सर सुनते होंगे कि आपके बॉडी में जो है वो WBC का कमी हो गया है, इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा क्या करना है, तो वो पदार्थ खाना है जिससे कि आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। सुनते होंगे डॉक्टर्स के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर यही सजेस्ट करता है,
आरबीसी कम है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाएं का मुख्य घटक है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण एनीमिया होती है? एनीमिया एक बीमारी है, वो किसकी कमी के कारण होती है? कोबाल्ट, लोहा, सोडियम, कैल्शियम। फिर से चार ऑप्शन आपके सामने हैं। एनीमिया नामक बीमारी जो है वो किस कमी से होती है? कोबाल्ट की कमी से होती है, लोहा की कमी से होती है, सोडियम की कमी से होती है, या फिर कैल्शियम की कमी से होती है? तो एनीमिया पहले होता कैसे है ये तो आपको पता होना चाहिए। जब बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है तो एनीमिया होता है। अब आपको पता है कि ब्लड का मतलब हो गया आपका हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में सबसे ज़्यादा जो चीज़ पाया जाता है इन चारों में से, उसका अभाव के कारण ही एनीमिया होता है। थोड़ा घुमा दिया गया है क्वेश्चन को। तो निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण एनीमिया होती है? कोबाल्ट की कमी से, लोहा की कमी से, सोडियम की कमी से, या कैल्शियम की कमी से? ब्लड की कमी से एनीमिया होता है। ब्लड का मतलब हीमोग्लोबिन हो गया, और हीमोग्लोबिन में जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो पाया जाता है लोहा, और जब लोहा का कमी होगा तो हीमोग्लोबिन कमेगा और उसके कारण आपका एनीमिया हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा बी लोहा। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण एनीमिया होता है? तो लोहा के कमी के कारण, और आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन, प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी मीटर में कितनी होनी चाहिए? प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी मीटर में कितनी होनी चाहिए? 10, 13, 17, 21। प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी मीटर में कितनी होनी चाहिए? 10, 13, 17, 21। फिर से तीन ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको ये देख करके बताना है कि इसका आंसर जो है वो आपका क्या होगा। चलिए तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। ऐसे तो इसका जो एग्जैक्ट होता है वो होता है 16.6 मीटर, ठीक है, 16.6 मीटर। तो वो हमारे पास ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम इसको राउंड फिगर जो है वो लगा दिए 17 मीटर। प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी जो है वो 17 मीटर होना चाहिए, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट होता है वो होता है 16.6 मीटर। तो मान लीजिए अगर आपका 17 भी ऑप्शन है और 16.6 भी ऑप्शन दे दिया है, कभी कभार जब क्वेश्चन काफ़ी टफ बनाना होता है तो आपको याद रखना होगा 16.6 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगणक या कंप्यूटर का मुख्य निकाय है? सीपीयू, कीबोर्ड, माइक्रोचिप, मदरबोर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगणक या कंप्यूटर का मुख्य निकाय है? कंप्यूटर का मेन जो हिंदी वाला, शुद्ध हिंदी वाला नाम होता है वो होता है संगणक। तो यही बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संगणक या कंप्यूटर का मुख्य निकाय है? सीपीयू, कीबोर्ड, माइक्रोचिप या मदरबोर्ड। चार ऑप्शन है आपके सामने, और सेम चीज मोबाइल में भी होता है। मोबाइल में कीबोर्ड नहीं होता है, लेकिन सीपीयू भी नहीं होता है, लेकिन जो चीज मोबाइल के लिए इम्पोर्टेंट होता है ना, वही चीज इसमें आपका कंप्यूटर के लिए भी आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगणक या कंप्यूटर का मुख्य निकाय है? सीपीयू, कीबोर्ड, माइक्रोचिप, मदरबोर्ड। अक्सर आप सुनते होंगे जब मोबाइल आपका खराब हो जाता है, ऑन नहीं होता है, चार्ज नहीं लेता है, तो क्या बोलता है? जब चार्ज नहीं लेता है तो पहले चार्जर का पिन चेंज करता है, देन वो भी नहीं जब ठीक होता है तब बोलता है आपके मोबाइल का क्या खराब हो गया, तो आपके मोबाइल का मदरबोर्ड खराब हो गया। जैसे ही मदरबोर्ड खराब हो गया तो मतलब आपका मोबाइल अब कोई काम का नहीं है, क्योंकि किसी भी मोबाइल के लिए मदरबोर्ड ही इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल उसी तरीके से किसी भी कंप्यूटर के लिए जो उसका मुख्य निकाय होता है वो आपका होता है मदरबोर्ड, और इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगणक या कंप्यूटर का मुख्य निकाय है? तो वो है आपका मदरबोर्ड। जैसे ही मदर आ गई तो बात ही खत्म हो गया ना, माँ से कहानी शुरू और माँ पे कहानी क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो आंसर आपका डी नंबर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका बिजली से धातु चढ़ाने की क्रिया या गैल्वनीकरण में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है?
बिजली से धातु चढ़ाने की क्रिया या गैल्वनीकरण में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? जस्ता, तांबा, लोहा, चांदी। फिर से चार ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बिजली में से धातु चढ़ाने से सॉरी बिजली से धातु चढ़ाने की क्रिया या गैल्वनीकरण में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? ए, बी, सी, डी। चार ऑप्शन आपके सामने हैं और इन्हीं चारों में से कोई एक आंसर होगा। तो जल्दी से बताइएगा क्या आंसर होगा आपका। बिजली से धातु चढ़ाने की क्रिया या गैल्वनीकरण में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो वो धातु होता है आपका जस्ता। ठीक है, कौन होता है? जस्ता। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है सूखी बर्फ या ड्राई आइस क्या है? सूखी बर्फ या ड्राई आइस क्या है? ए कहता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, बी कहता है ठोस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सी है ठोस सल्फर डाइऑक्साइड और डी है ठोस जल। सूखी बर्फ या सूखी ड्राई आइस क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस नाइट्रोजन और डाइऑक्साइड, ठोस सल्फर डाइऑक्साइड एंड ठोस जल। जिन बच्चों का केमिस्ट्री काफी अच्छा है वो बहुत ही अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं और इसका आंसर बता सकते हैं। सूखी बर्फ या ड्राई आइस क्या है? जल्दी से बताएंगे। ए, बी, सी, डी। चार ऑप्शन है आपके सामने। और इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या? तो ए नंबर। सूखी बर्फ या ड्राई आइस क्या है? तो ये एक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आपका क्या होता है ये आपको पता है? कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? चलिए इसका फॉर्मूला होता है आपका CO2। क्या होता है? CO2। तो ड्राई आइस को हम लोग जानते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से, उसके रूप में, और इसका फॉर्मूला होता है CO2। अगला क्वेश्चन, थोड़ा क्वेश्चन लगता है खराब हो गया है, फिर भी समझ में आ रहा है, देख लेंगे, कोई नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जटिल पौष्टिकता स्तर को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन जटिल पौष्टिकता स्तर को दर्शाता है? समुदाय, जनसंख्या, परिस्थितिक तंत्र या प्रजातियां। जिनको नहीं भी समझ में आ रहा होगा वो अब समझ गए होंगे जैसे ही हम पढ़ दिए। निम्नलिखित में से कौन जटिल पौष्टिकता स्तर को दर्शाता है? समुदाय, जनसंख्या, परिस्थितिक तंत्र या प्रजातियां। जल्दी से बताएंगे, चार ऑप्शन है आपके सामने। फिर से चार ऑप्शन है आपके सामने, इसका आंसर आपको देना है। निम्नलिखित में से कौन जटिल पौष्टिकता स्तर को दर्शाता है? समुदाय, जनसंख्या, परिस्थितिक तंत्र या प्रजातियां। और इसका आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, परिस्थितिक तंत्र। जटिल पौष्टिकता स्तर को दर्शाने का काम करता है परिस्थितिक तंत्र, और हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने APL परिवार के लिए एक स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किया, उस योजना का क्या नाम है? आंध्र प्रदेश एपी के मुख्यमंत्री ने APL परिवार के लिए एक स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किया, उस योजना का क्या नाम है? हरिथा कल्याणम, आरोग्य रक्षा। दो ऑप्शन आपको दिख गया, एक कहता है आपका हरिथा कल्याणम, बी है आरोग्य रक्षा, तीसरा है आपका कल्याण सर्वे एंड डी है आपका स्वास्थ्य रक्षा। कल्याणम सर्वे, स्वास्थ्य रक्षा, हरिथा कल्याणम, आरोग्य रक्षा, कल्याणम सर्वे, स्वास्थ्य रक्षा, क्या है? फिर से क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने APL परिवारों के लिए एक स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किया, उस योजना का क्या नाम है? ए, बी, सी, डी। जल्दी से बताएंगे, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, आरोग्य रक्षा।
क्या? आरोग्य रक्षा। जैसे ही स्वास्थ्य योजना है, क्या बोला गया है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एपीएल परिवार के लिए एक स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य योजना, जैसे ही स्वास्थ्य योजना हो गया तो देख के भी समझ सकते हैं कि वो होगा आपका आरोग्य रक्षा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक्स किरण की खोज किसने की थी? एक्स किरण की खोज किसने की थी? ए डब्ल्यू सी रॉन्टजन ने, बी अल्बर्ट आइंस्टीन ने, सी सैमुअल कोहेन ने और डी एडवर्ड टेलर ने। एक्स किरण की खोज किसने की थी? अगर आप खोजकर्ता के बारे में जानकारी रखते होंगे तब आपको अवश्य ये जानकारी होगी। एक्स किरण की खोज किसने की थी? चलिए ए बी सी डी चार ऑप्शन है आपके सामने। एक्स किरण की खोज किसने की थी? डब्ल्यू सी रॉन्टजन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, सैमुअल कोहेन ने, एडवर्ड टेलर ने। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इन्हीं चारों में से कोई एक आपका आंसर होगा, ए बी सी डी। जल्दी से बताएंगे क्या होगा और इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या, सोच लीजिए और समय दे दिया आप लोगों को सोचने के लिए और इसका आंसर हो जाएगा चलो बताओ ए और बी में से दो ऑप्शन है, जिसको सी और डी 50-50 हटा दिए। कौन बनेगा करोड़पति में हटाया जाता है ना, तो 50-50 दो ऑप्शन आपका हटा दिए, दो आंसर में आपको देना। ए और बी में से कौन है, डब्ल्यू सी रॉन्टजन या अल्बर्ट आइंस्टीन? एक्स किरण की खोज किसने की, अब तो पक्का आप लोग को पता चल गया होगा, डब्ल्यू सी रॉन्टजन ने। इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो मन में पहले से सोच लेते अच्छा ए होगा, हाँ हाँ पक्का ए ही होगा, और जैसे ही ए आंसर आया ओह खुशी से उछल जाएंगे, हाँ वाह मेरा सही हो गया, लेकिन आंसर नहीं बताएंगे कि हम ये सोचे थे, बिकॉज वो कॉन्फिडेंस नहीं है। और जब तक कि आपके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं आएगा तब तक आप अपने एग्जाम को सही तरीके से क्रैक नहीं कर सकते। देखो हम पीछे चांद तारा भी तुम लोग को बना दिए, पढ़ने में इंटरेस्टिंग आएगा। चलिए, जल चौगन जिसको पोलो के नाम से जाना जाता है कि एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? अगर खेल से रुचि रखते हो तब तो ये जरूर बताओगे, जल चौगन जिसको पोलो के नाम से भी जाना जाता है कि एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6, 5, 7, 8 6, 5, 7, 8 जल चौगन जिसको कि पोलो के नाम से जाना जाता है उसके एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 होते हैं, 5 होते हैं, 7 होते हैं, 8 होते हैं। जल्दी से बताना है, ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, आपको सोच के बताना है। जल चौगन की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वो होते हैं आपके कितने, तो वो होते हैं आपके 6। पोलो में जिसको कि जल चौगन के नाम से जाना जाता है उसके एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। देखो हम सी मार के 6 बोलते हैं, 7 होते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, अगर मूवी वूवी टीवी वूवी देखते होंगे, हीरोइन लोग को पीछा करते होंगे, सीरियल देखते होंगे तब आपको पक्का पता होगा। लावणी लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? लावणी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। टीवी मूवी देखते होंगे, एक्ट्रेस को अगर फॉलो करते होंगे तो पक्का आपको पता होगा लावणी जो लोक नृत्य है वो कहाँ से, किस राज्य से संबंधित है। इसका बड़ा फेमस गाना भी है एक ठो लावणी का, माला जाओ दे, सुने हैं, हर जगह बजते रहता है। मूवी देखिएगा, सीरियल देखिएगा, लाइव परफॉर्मेंस देखिएगा, रियलिटी शो देखिएगा, तो उसमें हमेशा ये गाना आपको कभी ना कभी तो मिल ही जाएगा, माला जाओ दे। कहाँ से है, अब तो मिल गया होगा आपको ऑप्शन, इतना ट्रिक, इतना आपको हिंट दे दिए हैं, इससे ज्यादा हिंट नहीं मिलेगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, लावणी जो है वो संबंधित है महाराष्ट्र से, है ना। अगला क्वेश्चन है, आजाद बचपन की ओर नामक पुस्तक किस लेखक के द्वारा लिखा गया है? आजाद बचपन की ओर नामक पुस्तक जो है वो किस लेखक के द्वारा लिखा गया है? जल्दी से बताएंगे, और इनके जो रचयिता है ना उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया है, तो जल्दी से बोलिएगा
और इसी किन्हीं के साथ मलाला यूसुफजई को भी नोबेल प्राइज मिला था। तो जल्दी से बताएंगे, आजाद बचपन की और नामक पुस्तक किस लेखक के द्वारा लिखा गया है? इतना घुसखोर टीचर तुमको कहाँ मिलेगा जी, इतना ऑप्शन तुमको लोग को दे रहे हैं हिंट पर हिंट, जल्दी से आंसर बताते जाओ। नोबेल प्राइज मिला हुआ है इनको, और इन्हीं के साथ जिनको नोबेल प्राइज मिला था वो एक पाकिस्तान की सबसे कम उम्र की लड़की थी, यानी पूरे दुनिया की, जिसका नाम था मलाला यूसुफजई। जल्दी से बताइएगा, आजाद बचपन की ओर नामक पुस्तक किस लेखक के द्वारा लिखा गया है? तो आपको पता चल चुका होगा, जल्दी 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 इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या? ए कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लिखा गया है आजाद बचपन की ओर, क्योंकि ये एक बहुत बड़े समाज सेवी हैं, और इनके पुस्तक का जो विमोचन होता है, इनके पुस्तक का जो अनावरण होता है, वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश दीपक मिश्रा के द्वारा किया गया था 2016 में। समझ गए, कैलाश विद्यार्थी के द्वारा लिखा गया बुक का नाम है आजाद बचपन की ओर, क्योंकि ये उन्हीं लोगों के लिए काम करते हैं, और इनके बुक का जो अनावरण है, विमोचन जो है, वो 2016 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश दीपक मिश्रा के तहत के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, इंडिया बाय द नाइल नामक संस्कृति उत्सव भारत तथा फिल इन द ब्लैंक्स द्वारा मनाया गया था। इंडिया बाय द नाइल नामक संस्कृति तिक उत्सव भारत तथा फिल इन द ब्लैंक्स द्वारा मनाया गया था। भारत और किस देश के बीच में? सूडान, कंपाला, मिस्र, केनिया। इंडिया बाय द नाइल नामक संस्कृति उत्सव भारत तथा फिल इन द ब्लैंक्स द्वारा मनाया गया था। सूडान, कंपाला, मिस्र, केनिया। जल्दी से बताइए, तीन ऑप्शन आपके, सॉरी चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इंडिया बाय द नाइल नामक सांस्कृतिक उत्सव भारत तथा फिल इन द ब्लैंक्स किस देश के द्वारा मनाया गया था? और इसका आंसर आपका हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए होगा, ना ना, डी होगा, ना, सी होगा। चलो सोच लिए, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, फाइनली बता देते हैं, इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, केनिया के द्वारा। इंडिया बाय द नाइल नामक सांस्कृतिक उत्सव भारत तथा केन्या के द्वारा मनाया गया था। अगला क्वेश्चन एंड आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन है आपका, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, इन सभी को पता होगा ये। शेख हसीना भारत के किस पड़ोसी देश की प्रधानमंत्री है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल। शेख हसीना भारत के किस पड़ोसी देश की प्रधानमंत्री है? पाकिस्तान की, बांग्लादेश के, नेपाल, अफगानिस्तान या नेपाल? जल्दी से बताएंगे, चार ऑप्शन है आपके सामने। शेख हसीना भारत के किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री हैं? तो ये हैं बांग्लादेश, और आंसर इज बी। दिवालियापन और दिवाला भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में दी गई फिल इन द ब्लैंक्स सूची में सूचीबद्ध है। दिवालियापन और दिवाला भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में दी गई फिल इन द ब्लैंक्स सूची में सूचीबद्ध है। कौन से सूची में? जैसा कि कल ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि टोटल कितनी सूची होती है, तो तीन सूची, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। तो अब आपको बताना है कि ये किस सूची के अंतर्गत आता है, दिवालियापन और दिवाला जो है वो किस सूची के अंतर्गत आता है। फिर से अगर आप चाहो तो आसानी से ऑप्शन को काट सकते हैं, होपफुली आपको पता होना चाहिए कि आखिर क्या आंसर होगा इसका। आप अपने मन में आंसर को सोच लीजिए, और मैं आप लोगों को अभी आंसर बताने वाली हूँ। जो आंसर आप लोग दे रहे हैं, जो बच्चे लाइव हैं वो आंसर दे भी सकते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर आपका होना चाहिए डी नंबर, समवर्ती सूची। दिवालियापन और दिवाला जो है भारत संविधान की सातवीं अनुसूची में दी गई समवर्ती सूची में सूचीबद्ध है। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर इसका आंसर जो है वो डी नंबर क्यों है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे केंद्रीय और विश्व आपका तो नहीं आ सकता है, केंद्रीय कोई सूची में आता ही नहीं है, और विश्व सूची भी अंतर्गत में नहीं आता है, विश्व सूची कुछ होता ही नहीं है। तो आपका जो बच गया वो क्या है, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये जो है वो आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। फिल इन द ब्लैंक्स के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। फिल इन द ब्लैंक्स के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी परमादेश, सी प्रतिषेध और डी अधिकार पृच्छा। ठीक है, अक्सर मूवी में आप सुनते होंगे कि जब किसी को अरेस्ट किया जाता है तो क्या बोला जाता है, इतना तो कानून मैं भी जानता हूँ कि आप किसी को 24 घंटा से ज़्यादा जेल में नहीं रख सकते बिना कानून के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने, कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए हुए। तो वही क्वेश्चन है, के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है कौन से नियम के अंतर्गत। ए कहता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी कहता है परमादेश, सी कहता है प्रतिषेध और डी कहता है अधिकार पृच्छा। किसके अंतर्गत न्यायालय जो है वो ये आदेश देता है कि किसी व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना है। क्या होगा इसका आंसर, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। जो बच्चे बाद में देख रहे हैं वीडियो को वो अपने मन में आंसर को लेकर के सोच लीजिए क्या आंसर होना चाहिए, और मैं यहाँ पे आपको बताने जा रही हूँ इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण ये है कि कभी कभी बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि व्यक्तियों को गलत आरोप में या फिर किसी और कारणवश आपसी रंजिश को निकालने को लेकर के, घूस को लेकर के गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो उसी के लिए ये नियम पास किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को जिसको कि आप गिरफ्तार कर रहे हैं तो आप उसको एक निश्चित समय के अंदर ही आपको न्यायालय में ले जा करके उसको क्या करना है, उपस्थित करना है। तो ये किस नियम के अंतर्गत आता है, ये आता है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत, और इसका आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, 1236 ईस्वी में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी फिल इन द ब्लैंक्स सुल्तान बनी। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है। 1236 ईस्वी में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी सुल्ताना बनी, रेहाना, रुखसाना, रशीदा, रजिया। क्या होगा इसका आंसर, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। 1236 ईस्वी में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी फिल इन द ब्लैंक्स सुल्ताना बनी, रेहाना, रुखसाना, रसीदा, रजिया। और ये क्वेश्चन है कि जैसे अक्सर पूछा जाता है पहली महिला शासिका कौन थी, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होना चाहिए। अब तो इतना हिंट आप लोगों को मिल चुका है, पहली महिला शासिका कौन थी, ये बार बार क्वेश्चन आपको पूछा जाता है और यहीं से ये क्वेश्चन बना है। 1236 ईस्वी में सुल्तान इल्तुतमिस की बेटी सुल्ताना फिल इन द ब्लैंक्स सुल्ताना बनी, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, रजिया, है ना, रजिया। रजिया सुल्तान जो है वो क्या थी, पहली प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। तो यहाँ पे 1236 ईस्वी में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी फिल इन द ब्लैंक सुल्ताना बनी, तो कौन थी वो, रजिया सुल्तान। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, 1919 में महात्मा गांधी ने प्रस्तावित फिल इन द ब्लैंक्स के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला किया। 1919 में महात्मा गांधी ने प्रस्तावित फिल इन द ब्लैंक्स के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला किया। किसके अगेंस्ट, साइमन कलीफ कमीशन या फिर रॉलेट एक्ट, नमक पिक्ट एक्ट, सॉरी पिटस इंडिया एक्ट, क्या आंसर होना चाहिए इसका। 1919 में महात्मा गांधी ने प्रस्तावित के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला किया। अब आपको बस इतना याद होना चाहिए कि 1919 में गांधी जी ने कौन सा सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, साइमन कमीशन का, रॉलेट एक्ट का, नमक एक्ट का या फिर पिट्स इंडिया एक्ट का। जो गांधी के जीवनी को अच्छे से पढ़े हैं उनको पता होना चाहिए कि 1919 में गांधी जी ने किस किसके अगेंस्ट, कौन से एक्ट के अगेंस्ट अपना आंदोलन किया था। और मेरे ख्याल से अब आप लोग आंसर अपना सोच चुके होंगे, जो आंसर मुझे मिलना चाहिए था वो मिल चुका है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, रॉलेट एक्ट। 19 मार्च 1919 को गांधी जी के द्वारा, सॉरी,
रॉलेट एक्ट चलाया गया था। यहाँ पे डेट था कि 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू किया गया था, जिसमें ये नियम पास किया गया था कि कोई भी व्यक्ति जो कि संदेहास्पद स्थिति में दिखता है, जिसमें थोड़ा सा भी अगर अंग्रेज को डाउट होगा, वो उसको तुरंत गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, अगर उसको थोड़ा भी किसी व्यक्ति पर डाउट है तो वो उसको तुरंत अरेस्ट कर सकता है। इस पे ना तो कोई अपील होगा, ना ही कोई दलील होगा, ना ही कोई वकील हो सकता है। तो ये वो एक्ट था जिसमें बेवजह बहुत सारे भारतीयों को बहुत कष्ट को झेलना पड़ रहा था, और इसीलिए गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट जो है वो क्या किया था, 1919 में अपना एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला किया था। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, मृदा के रंग, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा और पारगम्यता को निर्धारित करती है। क्या होगा इसका आंसर? मृदा के रंग, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा और पारगम्यता को निर्धारित करती है। आपको बताना है कि क्या होना चाहिए। ए कहता है वनस्पति जात और प्राणी जात, बी कहता है समय, सी कहता है जलवायु और डी कहता है जनक कौशल। क्या होगा इसका आंसर? चार ऑप्शन आपके सामने हैं और इन चारों में से आपको आंसर देना है। क्या होगा इसका आंसर आपको ये बताना है। तो इसका आंसर जो है वो आपका क्या होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, जनक सेल। जनक सेल मृदा के रंग, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा और पारगम्यता को निर्धारित करती है। ठीक है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत कोड है जिसकी त्रिज्या, फिल इन द ब्लैंक्स, किलोमीटर है। ठीक है, क्या होगा क्वेश्चन है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत कोड है जिसकी त्रिज्या लगभग, फिल इन द ब्लैंक्स, किलोमीटर है। ए 500 किलोमीटर, 6500 किलोमीटर, 9500 किलोमीटर या 3500 किलोमीटर। आपका आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से सोच के बताइएगा। क्या होगा इसका क्वेश्चन, कह रहा है कि पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत कोड है जिसकी त्रिज्या लगभग, फिल इन द ब्लैंक्स, किलोमीटर है। क्या होना चाहिए इसका आंसर? 500 किलोमीटर, 6500 किलोमीटर, 9500 किलोमीटर या 3500 किलोमीटर। इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, 3500 किलोमीटर। ठीक है, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत कोड है जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर होती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स के कारण फर्श पर लुढ़कने वाली गेंद धीरे धीरे धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है। फिल इन द ब्लैंक्स के कारण फर्श पर लुढ़कने वाली गेंद धीरे धीरे धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है। क्या होना चाहिए? ए घर्षण, बी चुंबकीय बल, सी अस्थिर वैद्युतीय बल और डी पेशीय बल। फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन है, जो बच्चे फिजिक्स में जानकारी रखते हैं उनको पता होना चाहिए कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। फिर से मैं क्वेश्चन आपको पढ़ दे रही हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स के कारण फर्श पर लुढ़कने वाली गेंद धीरे धीरे धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है। किसके कारण? घर्षण के कारण, चुंबकीय बल के कारण, स्थिर वैद्युत बल के कारण या पेशीय बल के कारण। क्या होना चाहिए इसका आंसर, जल्दी से बताइएगा। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, घर्षण के कारण फर्श पर लुढ़कने वाली गेंद धीरे धीरे धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। पृष्ठ, बी अभिलंब, सी स्पर्श रेखा और डी परावर्तित किरण। क्या होना चाहिए इसका आंसर, जल्दी से बताएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स
और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, पृष्ठ अभिलंब स्पर्श रेखा या फिर आपका परावर्तित किरण। जल्दी से बताइएगा, चार ऑप्शन आपके सामने हैं और इन्हीं चार में से आपका आंसर होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से सोच लीजिए और जल्दी से मुझे बताइए। इसका आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। और आपतित सॉरी परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा और आप लोग का आंसर सही हो रहा होगा जो आप लोग अपने मन में सोच रहे होंगे। नेक्स्ट है आपका कि फिल इन द ब्लैंक्स HTML को पढ़ने और उनकी व्याख्या करने के अनुकूल डिजाइन किए जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स HTML को पढ़ने और उनकी व्याख्या करने के अनुकूल डिजाइन किए जाते हैं। ए ब्राउजर, बी जावास्क्रिप्ट, सी एक्सक्लूएल और डी स्ट्रिंग। क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक्स HTML को पढ़ने और उनकी व्याख्या करने के अनुकूल डिजाइन किए जाते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने हैं और इन्हीं चार में से आपका आंसर होना चाहिए। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से सोच के बताइए। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। चलिए, मुझे जितना आंसर मिलना चाहिए मिल चुका है और होपफुली आप लोग भी अपना आंसर सोच चुके होंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, ब्राउजर HTML को पढ़ने और उनकी व्याख्या करने के अनुकूल डिजाइन किए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकेल तथा मैग्नीज जैसी वस्तुओं को मिलाकर बनाया जाता है। जहाज, स्टेनलेस स्टील, जंग या ओजोन। चार ऑप्शन है आपके सामने, जहाज, स्टेनलेस स्टील, जंग या ओजोन। लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकेल तथा मैगजीन जैसी वस्तुओं को मिलाकर बनाया जाता है। इनमें से कौन सा आपका सटीक आंसर है? क्या जहाज लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकेल तथा मैगजीन जैसी वस्तुओं को मिलाकर बनाया जाता है, या स्टेनलेस स्टील लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकेल और मैगजीन जैसी वस्तुओं को मिलाकर बनाया जाता है, या जंग लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकेल तथा मैगजीन जैसी वस्तुओं को मिलाकर बनाया जाता है, या लास्ट है आपका ओजोन, लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकेल तथा मैगजीन जैसी वस्तुओं को मिलाकर बनाया जाता है। जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी डी। चार ऑप्शन आपके सामने हैं और इन्हीं चार में से आपका आंसर होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर जो है वो आपका हो जाएगा बी नंबर, स्टेनलेस स्टील लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकेल तथा मैगनीज जैसी वस्तुओं को मिलाकर बनाया जाता है। होपफुली आप सबों का आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई फिल इन द ब्लैंक्स योजना का उद्देश्य पहले 6 महीने तक गर्भवती महिलाओं को निशुल्क स्वास्थ्य जांच प्रदान करना है। फिर से एक और क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, बिकॉज आंसर नीचे है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई फिल इन द ब्लैंक्स योजना का उद्देश्य गर्भावस्था के पहले 6 महीने तक गर्भवती महिला को निशुल्क जांच प्रदान करना है। ए है आपका ग्राम उदय से भारत उदय अभियान, बी है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सी है आपका प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना या डी है आपका विद्यांजलि योजना। क्या होगा इसमें से, कल हम लोग सेम ही चार ऑप्शन पढ़े थे और आज फिर से वही चार ऑप्शन आपके सामने है, तो होपफुली आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आखिर इसमें से आपका आंसर जो है वो क्या होना चाहिए। क्वेश्चन है आपका कि फिर से एक बार देख लीजिए तो आपको आंसर देने में आसानी होगी। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई फिल इन द ब्लैंक्स योजना का उद्देश्य गर्भावस्था के पहले 6 महीने तक गर्भवती महिला को निशुल्क स्वास्थ्य जांच प्रदान करना है। ठीक है, यानी जब महिला प्रेग्नेंट है तो 6 महीना तक उसको क्या है, निशुल्क जांच मिलेगा। वो किस योजना के अंतर्गत आता है, ग्राम उदय से भारत उदय योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना या विद्यांजलि योजना।
और इसका आंसर आपका होना चाहिए सी, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना। क्योंकि ये जो विद्यांजलि योजना है इसके बारे में कल हम लोग पढ़े थे, ये वो योजना है जिसमें कि बच्चों का पढ़ाई लिखाई तक का जो मतलब जो पैसा होता है वो उसमें दिया जाता है ना, प्राथमिक शिक्षा का। क्योंकि भारत में ये माना गया है कि सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, और इसके लिए उन लोगों के लिए विद्यांजलि योजना शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्या है, तो इसमें आपका घर घर गैस वगैरह दिए जाने की योजना है। ग्राम उदय से भारत उदय अभियान, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, सॉरी सी नंबर। थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किसने किया, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किसने किया, जल्दी से बताइएगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर आपका डी होगा। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, इन चारों में से आपका कोई एक आंसर होगा। थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किसने किया, ए कहता है रे टॉमलिंसन ने, बी कहता है टिम बर्नर्स ली ने, एंड सी कह रहा है विलियम कुलेन ने, डी कह रहा है जेम्स दीवार ने। जल्दी से बताएंगे क्या होगा, थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किसने किया है, थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किसने किया है, तो इसका आंसर आपका होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, जेम्स दीवार ने थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यंग गर्ल्स किस चित्रकार का प्रसिद्ध कृति है, यंग गर्ल्स जो है वो एक चित्रकार का प्रसिद्ध कृति है, किसका, अमृता शर्गिल का, एम एफ हुसैन का, एफ एन सूजा का, या जामिनी राय का। जल्दी से बताइएगा, यंग गर्ल्स किस चित्रकार का प्रसिद्ध कृति है, यंग गर्ल बहुत ही फेमस एक चित्र है, इसको किसने बनाया है, अमृता शर्गिल ने, एम एफ हुसैन ने, एफ एन सूजा ने, या जामिनी राय ने। जल्दी से बताइए, यंग गर्ल को, यंग गर्ल जो पिक्चर है जो बहुत ही फेमस है, ये किसके द्वारा बनाया गया है, अमृता शेरगिल के द्वारा, एम एफ हुसैन के द्वारा, एफ एन सूजा के द्वारा, या जामिनी राय के द्वारा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, अमृता शेरगिल के द्वारा। ठीक है, बहुत ही फेमस हैं भारत की चित्रकार, बहुत ही फेमस हैंगे, और इनका जो जन्म है वो हंगरी में हुआ है, हंगरी में बुडापेस्ट नामक शहर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि हम लोग जानते हैं जो बहुत ही ज़्यादा गुणी लोग होते हैं वो बहुत ही जल्दी इस दुनिया को छोड़ के चली जाती हैं, तो इनका भी जो डेथ है वो बहुत ही कम उम्र में हो गया था, मात्र 29 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था, अमृता शेरगिल का। लेकिन इन्होंने एक ऐसा कृति बनाया है यंग गर्ल्स का, जो कि इनको जाने के बाद भी इनको जीवित रखी हुई है, और ये हम लोगों के सामने अभी भी जीवित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसलिए कहा जाता है कि उम्र लंबी नहीं होना चाहिए, काम लंबा होना चाहिए। कैप्टन मनोज कुमार पांडे को निम्नलिखित में से किस युद्ध में उनकी शहादत के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, कैप्टन मनोज पांडे को निम्नलिखित में से किस युद्ध में उनकी शहादत के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। चार ऑप्शन है, 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध, 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, 1999 का कारगिल युद्ध, 1962 का भारत चीन युद्ध। फिर से देख रहे हैं एक और क्वेश्चन, कैप्टन मनोज कुमार पांडे को निम्नलिखित में से किस युद्ध में उनकी शहादत के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 65 का भारत पाकिस्तान युद्ध, 71 का भारत पाकिस्तान युद्ध, 62 का भारत चीन युद्ध, या 99 का कारगिल युद्ध। जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका आंसर, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, 99 का कारगिल युद्ध। मनोज कुमार पांडे जो है वो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे, उत्तर प्रदेश में एक सीतापुर नामक जगह है वहाँ से बिलोंग करते थे, और मात्र 24 वर्ष की आयु में इन्होंने कारगिल युद्ध में अपनी शहादत दी थी, और इसी के लिए इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, 1999। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है आपका, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के 70 वर्ष बाद भी जापान और किस देश के बीच शांति संधि अभी तक स्थापित नहीं हुई है? भारत, रूस, चीन, कनाडा। भारत को तो इसे हटाइए दीजिए, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत तो वैसे एक मोहरा के रूप में काम कर रहा था, इसका अपना तो कोई अस्तित्व था नहीं। तो रूस, चीन या कनाडा, क्या होगा इसका आंसर? द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के 70 वर्ष बाद भी जापान और किस देश के बीच शांति संधि अभी तक स्थापित नहीं हुई है? भारत, रूस, चीन या कनाडा। चार ऑप्शन आपके सामने हैं और इन्हीं चारों में से कोई आंसर होगा तो इसको मेरे ख्याल से ए को आप अलग कर दीजिए, बाकी बी, सी और डी में खोजिए क्या होगा। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, आपको हिंट भी हम दे दिए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के 70 वर्ष बाद भी जापान और किस देश के बीच शांति संधि अभी तक स्थापित नहीं हुई है? तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के 70 वर्ष बाद भी जापान और रूस, कौन? तो जापान और रूस के बीच अभी तक शांति संधि स्थापित नहीं हो पाई है। ठीक है, चलिए, और आज के क्लास का ये रहा आपका अंतिम क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेपाल अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य के साथ साझा नहीं करता है? नेपाल अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य के साथ साझा नहीं करता है? चार ऑप्शन है, ए उत्तराखंड, बी हरियाणा, सी पश्चिम बंगाल और डी सिक्किम। नेपाल अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य के साथ साझा नहीं करता है, यानी कि इसमें से तीन जो है वो आपका नेपाल और भारत का सीमा है, लेकिन एक जो है वो भारत और नेपाल का सीमा नहीं है, तो आपको बताना है कौन सा है वो। नेपाल अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य के साथ साझा नहीं करता है? उत्तराखंड, हरियाणा, पश्चिम बंगाल या सिक्किम। होपफुली आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, जो थोड़ा सा भी जानकारी रखते हैं मैथ के बारे में, थोड़ा भी ज्योग्राफी से जानकारी रखते हैं, थोड़ा अपना भारत का इतिहास जानते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा, और इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, हरियाणा। नेपाल अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य के साथ साझा नहीं करता है, तो वो है आपका हरियाणा। स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, कह रहा है, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल और औषधालय भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई फिल इन द ब्लैंक्स सूची में सूचीबद्ध है। किस सूची में सूचीबद्ध है आपको ये बताना है। ए कहता है केंद्रीय, बी कहता है राज्य, सी कहता है विश्व और डी कहता है समवर्ती। तो जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। कह रहा है सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल और औषधालय भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई फिल इन द ब्लैंक्स सूची में सूचीबद्ध है। केंद्रीय, राज्य, विश्व या समवर्ती। अब यहाँ पे अगर आप लोगों को सूची का आइडिया होगा तो आप लोग दो ऑप्शन तो ऐसे ही काट सकते हैं कि इसमें से दो आंसर आपका नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सूची को टोटल तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सूची जो है वो तीन कैटेगरी में है। एक होता है आपका समवर्ती सूची, दूसरा है संघ सूची, राज्य सूची और तीसरा आपका होता है समवर्ती सूची। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि संघ सूची तो दिया नहीं है, ए कहता है केंद्रीय सूची और सी कहता है विश्व, तो ए और सी तो आपका होगा नहीं, बचा बी और डी। तो आपको बताना है कि राज्य सूची में होगा या समवर्ती सूची में होगा। तो होपफुली आप अभी तक आंसर अपना सेलेक्ट कर लिए होंगे कि किस में आना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर आपका क्या होगा। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, राज्य सूची। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल और औषधालय भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई राज्य सूची में सूचीबद्ध है। ठीक है, जो तीनों सूचियां हैं, संघ सूची है, राज्य सूची है या समवर्ती सूची है, सभी का अपना कुछ पर्टिकुलर टॉपिक डिवाइड किया गया है। और ये जो क्वेश्चन है हमारा, राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल और औषधालय जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन कहता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव करती है तथा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है, ऐसा किसके अंदर इतना क्षमता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है तथा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है? रक्षा मंत्रालय, लोकसभा, प्रधानमंत्री कार्यालय, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। आपको बताना है कि आखिर इन चारों में क्या आंसर होगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है तथा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है, इतना पावर किसके हाथ में है? रक्षा मंत्रालय के हाथ में, लोकसभा के हाथ में, प्रधानमंत्री कार्यालय के हाथ में या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास? क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर जो है वो आपका हो जाएगा बी नंबर, यानी कि इसका आंसर होगा आपका लोकसभा। लोकसभा के पास वो पावर है जिससे कि वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है और सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है, इतना पावरफुल है लोकसभा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये वो क्वेश्चंस हैं, इसमें आप देखिएगा कभी कभी नंबरिंग जो है वो आपको ऊपर नीचे दिख जाएगा, कुछ कुछ क्वेश्चंस के बीच से नंबर जो है वो थोड़ा हट गए हैं, तो मैं वो चुन चुन के छाट छाट के क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाई हूँ जिसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि ये क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, तो इसीलिए नंबरिंग पर ध्यान नहीं देना है, क्वेश्चन पर ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन कहता है चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार फिल इन द ब्लैंक्स को ब्राह्मण को उपहार में दी गई भूमि कहा जाता था, क्या कहा जाता था? जैसे चोल अभिलेख में उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को, जैसे प्रत्येक वर्ग को जो भूमि दिया जाता था उसका अपना एक नाम रखा गया था, तो वही क्वेश्चन है कि चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि के विभिन्न कोटियों के अनुसार फिल इन द ब्लैंक्स को ब्राह्मण को उपहार में दी गई भूमि कहा जाता था, क्या कहा जाता था? वेलन वगाई, ब्रह्मदेव, साला भोग, देवदान, चार ऑप्शन है, तो बताएंगे इसका आंसर क्या होना चाहिए, ए बी या सी या फिर डी। होपफुली आपको आपका आंसर मिल चुका होगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, ब्रह्मदेव। ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे ब्रह्मदेव दे कहा जाता था, तो वेलन वगाई जो भूमि थी वो किसके किस कैटेगरी में आता था? तो ऐसी भूमि जो कि किसानों को या गैर ब्राह्मणों को दी जाती थी उसे वेलन वगाई कहा जाता था। ऐसी भूमि जो जिसमें कि विद्यालय वगैरह खोला जाता था या संस्थानों को, जैन संस्थानों वगैरह को दिया जाता था, उसे साला भोग के नाम से जाना जाता था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दो नंबर, ब्रह्म दे। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, पृथ्वीराज तृतीय जिनका शासन काल 1168 से लेकर 1192 ईस्वी तक था, का सबसे प्रसिद्ध शासक था, किसका? चाहमान का, गहडवाल का, चालुक्य का या ब्राह्मण का? बताएंगे पृथ्वीराज तृतीय जिनका शासन काल 1168 से लेकर 1192 ईस्वी तक था का सबसे प्रसिद्ध शासक था, किसका सबसे प्रसिद्ध शासक था? चाहमान, गहडवाल, चालुक्य या ब्राह्मण? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको इसका आंसर बताना है, तो इसका आंसर होपफुली आप लोग सोच चुके होंगे कि क्या होगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, चाहमान। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय जो है वो चौहान वंश का क्या था? तो अंतिम शासक था, और ये जो प्रसिद्ध थे जिस नाम से ये बहुत ही फेमस थे वो था आपका पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, होपफुली आपको आपका आंसर मिल चुका होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं, क्या कहते हैं? अपक्षय, संघर्षण, अपरदन या अपघर्षण?
चार ऑप्शन आपके सामने हैं। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को कहते हैं, क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं या संघर्षण कहते हैं, अपरदन कहते हैं या फिर अपघर्षण कहते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से बताएंगे क्या होना चाहिए इसका आंसर। तो इसका आंसर जो है वो आपका हो जाएगा, चार ऑप्शन है, ए है, बी है, सी है और डी है। तो इन डी चारों में आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, इसे अपरदन कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, मृदा संरक्षण की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवास से ढक दी जाती है। क्वेश्चन में फिर से आप लोगों के लिए पढ़ दे रही हूं, मृदा संरक्षण की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवास से ढक दी जाती है? मल्व बनाना, समुच्चरेखीय रोधिकाएं, चट्टान बाध या वेदिका फार्म? क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शंस भी आपके सामने हैं, आपको बस इसका आंसर बताना है। तो जल्दी से बताएंगे, सोच लीजिए अपने मन में, उसके बाद तो मैं फिर आपको आंसर दूंगी ही दूंगी। तो इसका आंसर आपका क्या होना चाहिए? चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, इन चारों में से कोई एक आंसर होगा आपका। थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है, इसलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए और वेट कर ले रही हूँ। जल्दी से आप लोग अपने मन में आंसर सोच लें, मैं इसका आंसर बता दूँ। इसका आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, मल्च बनाना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया ए नंबर। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यह रहा आपके स्क्रीन पर, वर्ग जिसमें जंतु जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी आते हैं, किस श्रेणी को निर्मित करते हैं? यानी कि फिर से क्वेश्चन एक बार पढ़ती हूं मैं, वर्ग ऐसे वर्ग जिसमें जंतु, जंतु में जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी आते हैं, किस श्रेणी को निर्मित करते हैं? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ए कहता है जाति, जिसको कि हम लोग स्पीसीज के नाम से जानते हैं, बी कहता है वंश, जिसे जीनस के नाम से जाना जाता है, सी कह रहा है कि जगत, जिसे किंगडम के नाम से जाना जाता है और डी कह रहा है संघ, जिसे फाइलम के नाम से जाना जाता है। आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, जाति, वंश, जगत या संघ? फिर से चार ऑप्शन आपके सामने हैं और इन्हीं चार ऑप्शन में आपका कोई एक आंसर है जो कि आप लोगों को बताना है। तो जल्दी से सोच लीजिए क्या आंसर होगा इसका, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? तो चलिए होपफुली आप लोग अपना आंसर सोच चुके होंगे, तो मैं बता दूं इसका आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, इसे संघ के नाम से जाना जाता है, ये संघ श्रेणी को निर्मित करता है। अगला क्वेश्चन फिर से ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, देख लेंगे। क्वेश्चन है, जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था युग्म कोदभिद होती है जिसकी दो अवस्थाएं होती है, पहली अवस्था फिल इन द ब्लैंक्स है। जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था युग्म कोदभिद होती है जिसकी दो अवस्थाएं होती हैं, पहली अवस्था फिल इन द ब्लैंक्स है, क्या है? एगार है, पत्ती है, क्लोरेला है या प्रथम तंतु है? जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था युग्म कोदभिद होती है जिसकी दो अवस्थाएं होती हैं, पहली अवस्था फिल इन द ब्लैंक्स है। पहली अवस्था को क्या कहते हैं? एगार कहते हैं या पत्ती कहते हैं या क्लोरेला कहते हैं या प्रथम तंतु कहते हैं? जल्दी से बताएंगे, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आप सोच लीजिए कि क्या आंसर इसका होना चाहिए, फिर मैं आपको जल्दी से इसका आंसर बता दूंगी। तो इसका आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, इसे प्रथम तंतु कहा जाता है। जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था युग्म कोदभिद होती है जिसकी दो अवस्थाएं होती हैं, पहली अवस्था प्रथम तंतु है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फिल इन द ब्लैंक्स प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है जिसमें कीट भी सम्मिलित हैं। फिल इन द ब्लैंक्स
प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है जिसमें कीट भी सम्मिलित है क्या है? एनेलिडा, कॉर्डेटा, अर्थोपोडा, प्लेटीहिलिम निथ। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों में से आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है जिसमें कीट भी सम्मिलित होता है, कौन सा प्राणी है वो? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, अर्थोपोडा। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है जिसमें कीट भी सम्मिलित होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किसी वस्तु के विराम अवस्था को फिल इन द ब्लैंक्स चाल की अवस्था माना जाता है। किसी वस्तु की विराम अवस्था को फिल इन द ब्लैंक्स चाल की अवस्था माना जाता है, बढ़ती हुई, कम होती हुई, विपरीत या शून्य। किसी वस्तु की विराम अवस्था को फिल इन द ब्लैंक्स चाल की अवस्था माना जाता है, बढ़ती हुई, कम होती हुई, विपरीत या शून्य। चार ऑप्शन हैं आपके सामने, आपको बताना है कि इनमें से आपका सही आंसर क्या है। होपफुली आप अपना आंसर सोच चुके होंगे, आपको पता होगा कि आंसर क्या है। तो आंसर इसका है डी नंबर, शून्य। किसी वस्तु की विराम अवस्था को शून्य चाल की अवस्था माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ग्रहों की गति को बताने वाले नियमों को फिल इन द ब्लैंक्स कहा जाता है। ग्रहों की गति को बताने वाले नियमों को फिल इन द ब्लैंक्स कहा जाता है, न्यूटन का नियम, केपलर के नियम, अवोगाद्रो के नियम एंड दे मार्गन के नियम। चार ऑप्शन फिर से आपके सामने हैं, इन चारों में से आपको बताना है कि सही आंसर आपका क्या है। ग्रहों की गति को बताने वाले नियम को फिल इन द ब्लैंक्स कहा जाता है, न्यूटन के नियम, केपलर के नियम, अवोगाद्रो के नियम या दे मार्गन के नियम। इसका आंसर आपका क्या होगा? तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, केपलर के नियम। ग्रहों की गति को बताने वाले नियमों को केपलर के नियम के नाम से जाना जाता है और केपलर का नियम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन कहता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में से हम चुने गए पाठ का रंग बदल सकते हैं, फॉन्ट कलर के द्वारा, टेक्स्ट कलर के द्वारा, चेंज कलर के द्वारा या बैकग्राउंड कलर के द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में से हम चुने हुए पाठ्य का रंग बदल सकते हैं, किसके द्वारा बदल सकते हैं? फॉन्ट कलर के द्वारा, टेक्स्ट कलर के द्वारा, चेंज कलर के द्वारा, बैकग्राउंड कलर के द्वारा। तो जो कंप्यूटर, लैपटॉप यूज करते होंगे उन्हें पक्का पता होगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए। क्या होगा? ए, फॉन्ट कलर के द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में से हम चुने गए पाठ्य का रंग बदल सकते हैं फॉन्ट कलर के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, लोहे को खुले में छोड़ने पर उस पर जो भूरी परत जम जाती है उसे क्या कहते हैं? लोहे को खुले छोड़ने पर उस पर जो भूरी परत जम जाती है उसे क्या कहते हैं? धूल, सवल, खनित्र या जंग। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत हल्का क्वेश्चन है जो कि अक्सर हम लोग अपने रोजमर्रा की लाइफ में देखते हैं। तो आपको उसी से आंसर बताना है कि लोहे को खुले में छोड़ने पर उस पर जो भूरी परत जम जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे आपको कहा जाता है जंग, और आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। लोहे को खुले में छोड़ने पर उस पर जो भूरी परत जम जाती है उसे जंग कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलता पूर्वक आग पकड़ लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पदार्थ कहलाते हैं, खतरनाक, जोखिम, अदाहा, ज्वलनशील।
जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलता पूर्वक आग पकड़ लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स पदार्थ कहलाते हैं। फिर से ये भी आपका बहुत ही हल्का, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, जिसको कि आप बिना पढ़े हुए थोड़ा सा दिमाग लगा करके आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि इसका आंसर आपका क्या होगा। तो इसका आंसर जो है वो आपका हो जाएगा डी नंबर, ज्वलनशील पदार्थ कहलाता है। फिर से आइए एक बार क्वेश्चन देखते हैं। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलता पूर्वक आग पकड़ लेगा वह ज्वलनशील पदार्थ ही कहलाएगा ना, और इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बहुत से अलवन जल प्राणी समुद्र के पानी में और समुद्री प्राणी अवलवन जल में लंबे समय तक नहीं रह सकते क्योंकि उन्हें फिल इन द ब्लैंक्स समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या? ए कहता है परासरणी, बी कहता है पृथु ताजापी, सी कह रहा है तनुतापी और डी कह रहा है उष्ण जलीय। क्या होगा? बहुत से अलवन जल बहुत से अलवन जल प्राणी समुद्र के पानी में और समुद्री प्राणी अवलवन जल में लंबे समय तक नहीं रह सकते क्योंकि उन्हें फिल इन द ब्लैंक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कौन से समस्या का सामना करना पड़ता है आपको बताना है। क्या होगा? ए कहता है परासरणी, बी कहता है पृथु तजापी, सी कह रहा है तनुतापी और डी कह रहा है उष्ण जलीय। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, उनको सामना करना पड़ता है परासरणी का, जिसके कारण कि वो जल में नहीं रह सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, भारत के सभी बच्चों को समान रूप से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो इस उद्देश्य से केंद्र सरकार ने फिल इन द ब्लैंक्स योजना प्रारंभ की है। फिर से देखते हैं एक बार, कह रहा है आपका कि भारत के सभी बच्चों को समान रूप से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो इस उद्देश्य से केंद्र सरकार ने फिल इन द ब्लैंक्स योजना प्रारंभ की है। ए है ग्राम उदय से भारत उदय अभियान, बी है प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, सी है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना और डी कह रहा है विद्यांजलि योजना। क्या होगा इसका आंसर? फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के सभी बच्चों को समान रूप से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो इस उद्देश्य से केंद्र सरकार ने फिल इन द ब्लैंक्स योजना प्रारंभ की है। ए है ग्राम उदय से भारत उदय अभियान, बी है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सी है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना और डी है आपका विद्यांजलि योजना। क्या होगा इसका आंसर? तो मातृत्व योजना नहीं हो सकता है, उज्ज्वला योजना जो है वो गैस से संबंधित है तो बी भी नहीं होगा। ग्राम उदय से भारत उदय अभियान यानी ग्राम गांव जब डेवलप करेगा तो इंडिया अपने आप डेवलप कर जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, विद्यांजलि योजना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंसुलिन की खोज किसने की? चार ऑप्शन आपके सामने है, सर अलेक्जेंडर प्लेमिड, बी कह रहा है फ्रेडरिक बैटिंग, सी कह रहा है जेम्स वॉट और डी कह रहा है सर एफ जी हैपकिंस। क्या होगा इसका आंसर? कहता है कि इंसुलिन की खोज किसने की, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, मैं बहुत सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को देख चुकी हूं। तो जल्दी से बताइएगा इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, फ्रेडरिक बैटिंग। फ्रेडरिक बैटिंग और इनके साथ एक और साइंटिस्ट थे जो बेस्ट थे, बेस्ट के नाम से प्रसिद्ध थे, उन्होंने सबसे पहले मानव के लिए इंसुलिन की खोज की थी। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को ध्यान से रख लेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2020 में होने वाले समर ओलंपिक्स में कौन सा देश मेजबानी करेगा? चीन, दक्षिण कोरिया, कनाडा, जापान। वर्ष 2020 में होने वाले समर ओलंपिक्स में कौन सा देश मेजबानी करेगा? चीन करेगा, दक्षिण कोरिया करेगा, कनाडा करेगा या जापान करेगा?
चार ऑप्शन आपके सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, जापान करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। धामेक स्तूप का निर्माण किसने करवाया? अकबर, हुमायूं, अशोक, नरसिंह। धामेक स्तूप का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने, हुमायूं ने, अशोक ने, नरसिंह ने। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर बहुत ही हल्का है, बहुत ही इजी है, इसका आंसर आप बहुत आसानी से इसको आंसर कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो सी नंबर, अशोक ने धामेक स्तूप का निर्माण करवाया था। कब? तो 249 ईसा पूर्व, 249 BC, 249 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक ने धामेक स्तूप का निर्माण करवाया था। तो ये कहाँ है? तो ये आपका वाराणसी से 13 किलोमीटर दूर सारनाथ में अभी भी मौजूद है, जिसको कि आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय सिनेमा में जीवन भर योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा सालाना दिए जाना वाला सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय सिनेमा में जीवन भर योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा सालाना दिया जाने वाला सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? अशोक चक्र, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार या पद्मश्री? जल्दी से बताएंगे कौन सा है, ए, बी, सी या डी? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। जीवन भर अगर सिनेमा में कोई सबसे अच्छा काम किया है, उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, तो उसके लिए सिनेमा से संबंधित कौन सा पुरस्कार है जिसको बहुत ही वैल्यू दिया जाता है? अशोक चक्र, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार या पद्मश्री? तो इसका आंसर आपका क्या होना चाहिए? इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अशोक चक्र जो है वो शौर्य के लिए दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार खेल के लिए दिया जाता है, एंड पद्मश्री जो है वो हर क्षेत्र में दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली सिर्फ सिनेमा से संबंधित बात किया गया है, तो उसके लिए आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, बांग्लादेश में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी है जो गंगा की मुख्य शाखा नदी भी है? गंडक, कोसी, गोमती, पद्म। बांग्लादेश में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी है जो गंगा की मुख्य शाखा नदी भी है? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताएंगे। चार ऑप्शन है आपके सामने, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर आपका डी होगा? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका आंसर जो है बहुत ही हल्का है, इसका आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था आज आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसी तरीके से स्टडी ऑल चैनल के साथ बने रहिए। हम लोगों का प्रयास है कि हम लोग आप लोगों के लिए वो क्वेश्चन सेलेक्ट करके ला रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। तो इसी तरीके से स्टडी ऑल के साथ बने रहिए। अगर आपको स्टडी ऑल का क्लास अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल कुछ नए क्वेश्चन के साथ।